नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि BMI क्या होती है। बॉडी मास इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है। क्या होता है BMI? BMI एक तरीका है, तरीका तो क्या है, BMI एक नंबर है जो कि आपके लिए ये बताएगा कि आप अपने कद के हिसाब से, अपनी लंबाई के हिसाब से कितने ज़्यादा मोटे हो, जितना आपको होना चाहिए उससे ज़्यादा मोटे हो या उतने ही हो, आपका वज़न उतना ही है जितना होना चाहिए, इस तरीके का अंदाज़ा आपको देगा। एक रेंज है, समझ लो इतने से इतने के बीच में BMI है तो आपकी सेहत ठीक है। अगर इससे ज़्यादा, जैसे जैसे आपकी BMI बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी सेहत के लिए खतरा बढ़ता जाता है और उस जो रेंज है जिसके बीच में आप के BMI जो है वो सेहतमंद मानी जाती है, उससे नीचे जाते जाते हो तो वो फिर ये होने लग जाता है कि आपके शरीर में पोषण की कमी है, इस तरीके से देखा जाने लग जाता है उसे। और BMI कैसे निकालते हैं, और BMI क्या है, जैसे आपके लिए BMI निकालना है, हर इंसान का अपना अपना BMI है। तो जैसे मान लेते हैं BMI का जो फॉर्मूला है वो है कि आपका जितना वजन है, किलो, कितने किलो के आप हो और जितना आपका कद है मीटर में, तो जितने किलो के हो उसको अपने कद के स्क्वायर से भाग कर दो। स्क्वायर से भाग कर दो मतलब आप 75 किलो के हो और मान लेते हैं मैंने 6 फुट का आदमी माना है, 72 इंच का, 72 इंच लगभग इतने मीटर बनते हैं, तो इसका स्क्वायर ले लिया मतलब 75 बाय 1.828 गुणा 1.828, इससे जो आएगा ये उस आदमी का BMI है जो 75 किलो का है और 6 फुट का है, उसका आया लगभग 22.44। इसकी यूनिट जो होती है केजी पर मीटर स्क्वायर होती है, पर आपको आमतौर पे BMI खाली इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, 22.44 आमतौर पे इसकी यूनिट साथ में नहीं लिखी जाती, ठीक है। अच्छा, एक आम नॉर्मल हेल्दी रेंज क्या है BMI की, मतलब किस रेंज में होना चाहिए हमारा BMI? अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की बोली गई है, किसी देश में थोड़ा कम पे ही मतलब हेल्दी मानते हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा पे भी हेल्दी मान लेते हैं, पर एक अंदाज़ा दे रहा हूँ करीब ये जो नंबर आया इस आदमी के लिए 22.5 के आसपास, ये नंबर आपके लिए जो आता है आपकी कद और हाइट में, ध्यान रखना कि वजन किलोग्राम में और हाइट मीटर में, तो इंच में नहीं है, हाइट इंच में नहीं है और वजन पाउंड में नहीं है, तो 18.5 ये जो आपके लिए नंबर आएगा 18.5 से 23 के आसपास हो, 18.5-19 से लेकर के 23 के आसपास हो तो ठीक है, आपकी मतलब सेहत, आपका वजन आपके कद के हिसाब से ठीक है, BMI के हिसाब से बता रहा हूँ। और 18.5 से नीचे जाने लगता हो तो फिर यूँ लग जाता है कि आप कुपोषण के शिकार हो शायद, आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो शायद, आपके शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है मान लो। फिर 23 से थोड़ा ऊपर जाने लगता हो, 23 से 25 के बीच में अगर नंबर आता है तो आप ये मान सकते हो आपके शरीर में थोड़ी चर्बी ज़्यादा है, आपको थोड़ी सी कम करनी चाहिए। अगर 25 से 29 के आसपास आपके नंबर आता है तो समझ लो कि आपके शरीर में थोड़ी ज़्यादा चर्बी है, मतलब आपको कम करने के बारे में सही में काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और अगर आपके 30 या 30 से ज़्यादा आता है तो आप बहुत मोटे हो, आपको बिल्कुल इस बात को पे को मतलब आपको वजन कम करना ही चाहिए इस तरीके से। कम तो वैसे इसको भी करना चाहिए, 25-29 वाले को इसको भी करना चाहिए, पर जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी सेहत के लिए खतरा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये नंबर जैसे 18.5-19 के आसपास से लेकर 23 के आसपास तक तो ठीक है, फिर जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है आपकी सेहत के लिए खतरा बढ़ रहा है, आपको बीमारियाँ होने का खतरा बढ़ रहा है, हो सकता है आपको बीमारियाँ हो, आपको पता नहीं चल रहा है, हो सकता है आपको पता भी हो। तो क्या BMI हमारी सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्या इससे कोई और अच्छा तरीका हो सकता है, या अगर और कोई तरीका है तो कौन सा है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। BMI हमारे शरीर में कितनी चर्बी है उसका अंदाज़ा लगाता है, हमारे कद के हिसाब से कितनी चर्बी है उसका अंदाज़ा लगाता है, कितना वजन हम ढो रहे हैं उस कद पे। क्या इससे कोई और ढंग का तरीका हो सकता है कि हम अगली वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।